Hello and welcome investors, my name is Dinesh and you are watching Mr. Kashyap YouTube channel। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि हम आपके लिए बैंकिंग की दुनिया की, बिजनेस की दुनिया की वो सारी की सारी बड़ी अपडेट लेकर के आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम आपसे एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अगर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर NSC जैसी स्कीम्स के अंदर पैसे को निवेश किया हुआ है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेगा, अदरवाइज तो आप काम की जानकारी मिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं क्या बड़ी अपडेट पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल के आ रही है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की ओर से अब सभी स्कीमों के लिए कॉमन फॉर्म कर दिया गया है। दोस्तों यहां पे एक बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो स्कीम्स मैंने आपको बताई उन सभी स्कीम्स के लिए एक ही फॉर्म कर दिया गया है। अब आपको तरह तरह के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे इसके किसी भी स्कीम के लिए डाकघर में फॉर्म हर समय उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और जब जैसा कि आप जाते थे कभी भी पोस्ट ऑफिस में मांगते थे PPF का फॉर्म दे दीजिए तो आपको बोलते थे PPF का फॉर्म नहीं है, और कई बार सुकन्या समृद्धि योजना का जो मेरे साथ खुद भी हुआ है कई बार मैं जाता था तो वहां पे मना कर देते कि फलाना फॉर्म नहीं है। लेकिन अब यहां पे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की यह पहल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना होगा वहां पे, यानी सभी सेविंग स्कीम्स के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म कर दिया जाएगा जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अब यदि डाकघर में किसी भी बचत योजना से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो यहां पे सारी की सारी चीज़ों के लिए एक ही फॉर्म कर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, PPF अकाउंट, नेशनल सेविंग स्कीम के तमाम सारी की सारी ऐसी स्कीम है जिसके लिए कॉमन फॉर्म कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे 15 अप्रैल से किए गए सर्कुलर में, 15 अप्रैल को जो जारी किया गया था एक सर्कुलर, उसमें जानकारी दी गई है कि यहाँ पे दिसंबर 2019 के वित्त मंत्रालय के नियमों को बदल दिया गया था और इसी में सेविंग स्कीम के अलग अलग फॉर्म को जारी किया गया था। इसी के चलते दोस्तों डाकघर में समस्या पैदा हो रही थी क्योंकि अलग अलग प्रिंटिंग कराने के लिए यहां पे समय भी लगता था और कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के ये कॉमन सर्टिफिकेट लिए गए हैं, कॉमन फॉर्म यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया। ऐसे में डाक विभाग की ओर से जब सभी स्कीमों के लिए एक कॉमन फॉर्म का प्रावधान किया गया, यानी कि इस चीज के लिए एक स्टैंप लगा दी गई, एक फॉर्मूला यहां पे ईजाद कर दिया गया कि सभी के लिए एक फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, और इसके में स्कीम को जितनी भी स्कीम्स जो मैंने आपको बताई हैं सभी डाकघरों में फॉर्म हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी। और साथ में हालांकि इस सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है यदि पहले से प्रचलित अलग अलग फॉर्म भरकर यानी कि जमाकर्ता सौंपता है तो उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, हम ATM जाते हैं तो ATM के अंदर फॉर्म फिलिंग फॉर्म होते हैं जो भी, या फिर जब हम कभी भी बैंक जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म लेकर के आ जाते हैं तो वही हम घर से भर करके लेकर के चले जाते हैं ताकि हमें कम समय लगे। तो इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया ने यह चीज़ भी अनाउंस कर दी है कि अगर पहले से किसी ने फॉर्म रखा है या पहले वाला जो फॉर्म है जो पहले चलते थे उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों ये सारी की सारी जो जानकारी है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन करी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये जानकारी आपको फोर्टफुल लगी है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।